खोलेंगे सबके राज, राजनामा दुनिया के साथ, मैं पूनम। महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप झेल रहे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी सांसद ब्रजभूषण को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण और संघ के सेक्रेटरी विनोद तोमर को मंगलवार को 25,000 के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान ब्रजभूषण के वकीलों ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बिना जाँच के चार्जशीट दायर की है। इन केसों में 5 साल से ज़्यादा सजा का प्रावधान नहीं है। दिल्ली पुलिस से पूछा, जमानत के लिए आपके क्या तर्क है? इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा, हमने ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन जमानत देने में शर्त तो होनी ही चाहिए। इस पर कोर्ट ने ब्रजभूषण को 20 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गुरुवार यानी 20 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे रेगुलर जमानत पर सुनवाई होगी। ब्रजभूषण कोर्ट के समन के बाद यहाँ पेश हुए थे। ब्रजभूषण को जमानत की रात उनके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवान विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जो लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।